हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर रीड करेंगे आपका फोर, नॉर्थन प्लेन्स त्रिसमतल क्षेत्र। नॉर्थन प्लेन्स, चैप्टर नेम नॉर्थन प्लेन्स। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर एक्सटेंट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, लाइफ इन नॉर्थन प्लेन्स। इस लेसन में हम एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके जो रीड करेंगे। यहाँ पर है नॉर्थन प्लेन का एक्सटेंड कितना है, सतलज रिवर बेसिन क्या है, गंगा रिवर बेसिन क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन क्या है, ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक फैली हुई हैं, लाइफ इन नॉर्थन प्लेन्स और नॉर्थन प्लेन्स की लाइफ, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में रीड करेंगे। वॉट आर दी वेस्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड नॉन एज प्लेन्स, क्या कहलाता है प्लेन्स। ऑब्जर्व दी मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 24। यू विल फाइंड दैट द नॉर्थन प्लेन आर शो एज अ ग्रीन बैंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स। आपका जो आप पेज नंबर 24 में देखेंगे मैप पर, वहाँ पर नॉर्थन प्लेन को आप हिमालय के साउथ पर सेटअप है, जो ग्रीन कलर से पूरा ग्रीन से है, वो आपका क्या है नॉर्थन प्लेन्स, वो हिस्सा आपका क्या है नॉर्थन प्लेन्स। द एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, वो कितना फैला हुआ है पंजाब वेस्ट से असम। द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स इज अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर। टोटल लेंथ नॉर्थन प्लेन की लगभग कितनी है आपकी, 2500 किलोमीटर। द नॉर्थन प्लेन आर ड्रेन बाय मैनी रिवर्स, नॉर्थन प्लेन्स में बहुत सारी रिवर्स बहती हैं। दीज रिवर्स ऑरिजिनेटेड इन माउंटेन्स एंड ब्रिज विथ डैम सिल्ट। सिल्ट मीन्स जो बहा के नदी लाती है कीचड़ मिट्टी, उसको बालुई नीचे की होती है जो नदियों के द्वारा बहकर आता है कीचड़ मिट्टी बालू, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। सैंड स्टोन्स एंड किले, नॉर्थन प्लेन्स में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और ये रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं और अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, सैंड, स्टोन, क्ले, ये सारी चीज़ें जो फर्टिल होती हैं ये अपने साथ लेके आती हैं। दे डिपॉजिट दीज सेंडिमेंट्स ऑन द बैंक एंड देयर वाई मेक द नॉर्थन प्लेन्स वेरी फर्टिल, और ये सारा अपना नदियों के साथ बहकर माउंटेन से लेकर आती हैं सिल्ट, सैंड, स्टोन, क्ले, और ये डिपॉजिट जमा कहाँ करती हैं, इन नदियों के किनारे किनारे क्षेत्रों में, जो उनके किनारे क्षेत्र होते हैं, ये सेंडिमेंट्स पूरे जी जो सिल्ट, सैंड, स्टोन के लिए ये अवसाद पूरे सेंडिमेंट्स होते हैं, ये पूरे वहाँ पर क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे नॉर्थन प्लेन्स क्या हो जाता है, बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ होता है। वो मिट्टी कीचड़ जो नदियों के द्वारा बहकर आती है बहुत ही फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। द रिवर दैट फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन इंक्लूड द सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी के साथ मिली रहती हैं। द रिवर्स दैट फ्लो द थ्रू नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स में जो नदी बहती है कौन कौन सी हैं, सतलज गंगा, सतलज गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियाँ। आर ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉल रिवर दैट फ्लो एंड मर्ज इन टू बिगर रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या है, एक छोटी सी नदी होती है जो बहती है किसके साथ, मिलकर बड़ी नदी के साथ मिलकर बहती है। द एरिया वाटर्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। जो रिवर का पानी वाला एरिया और उसकी सहायक जो नदियाँ होती हैं,
ये क्या होती है? रिवर्वेशन, ये रिवर्वेशन कहलाती है। द नॉर्थन प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री रिवर्वेशन, जो अपना नॉर्थन प्लेन्स है ये थ्री रिवर्वेशन में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका सतलज रिवर्वेशन, गंगा रिवर्वेशन एंड थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर्वेशन। सतलज रिवर्वेशन, द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज वाटर्ड बाय द रिवर सतलज। नॉर्थन प्लेन का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पानी से घिरा हुआ है, रिवर से, वो कौन सी रिवर है? सतलज। कौन सी रिवर से है? नॉर्थन प्लेन्स का जो पानी से घिरा हुआ पार्ट है वो कौन सी नदी से घिरा हुआ है? सतलज। दिस इज़ अ वाई इट इज़ नोन एज द सतलज रिवर्वेशन, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं? सतलज रिवर्वेशन। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर अ पार्ट ऑफ सतलज रिवर्वेशन, कौन कौन से राज्यों में ये किसका पार्ट, सतलज रिवर्वेशन का पार्ट कौन कौन से स्टेट हैं? पंजाब और हरियाणा। भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर, भाखड़ा डैम जो बना हुआ है वो किस पे बना है? इस नदी को पार करने के लिए, इस सतलज रिवर्वेशन में बना हुआ है। दिस डैम प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस डैम से पानी मिलता है एग्रीकल्चर करने के लिए, इरीगेशन जो एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स, उनको सिंचाई के लिए इस डैम से पानी मिलता है और इससे बिजली भी पैदा होती है।